दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अमेरिकन लिटरेचर में एक बहुत बड़ा नाम जॉन स्टाइनबेक इनकी एक नोवेला डिस्कस करेंगे ऑफ माइस एंड मैन। ये जो नोवेला है दोस्तों बहुत ही फेमस है जिसको 1930s में लिखा गया था और आज हम इसको ढंग से डिस्कस करेंगे। जॉन स्टाइनबेक का बहुत ही पॉपुलर वर्क है, शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी है दो दोस्तों की, जॉर्ज मिल्टन और लेनी स्मॉल। ये लोग कैलिफोर्निया में चलते फिरते वर्कर्स हैं, मतलब कभी किसी फार्म पर काम कर लिया, कभी किसी फार्म पर काम कर लिया। तो ये दोनों क्या करते हैं, एक रिवर है सैलिनस रिवर, उसके किनारे पर आते हैं, एक पूल के किनारे पर, वहाँ पर ये अपना डिनर बनाते हैं। ये जॉर्ज तो बड़ा शार्प टाइप का आदमी है, वियर टाइप का आदमी है। इसका सपना है कि ये खुद की एक ज़मीन खरीदेगा और एक फार्म बनाएगा। इन दोनों को कैरेक्टर बता रहा हूँ। जॉर्ज तो बड़ा एम्बिशियस टाइप का आदमी है, बड़ा शार्प आदमी है, ये खुद की ज़मीन खरीदना चाहता है, उस पर फार्म बनाना चाहता है, मतलब अपनी किस्मत का खुद मालिक बनना चाहता है। जबकि लेनी, ये बॉडी में तो जॉर्ज से बड़ा है, मतलब इसका शरीर बहुत बड़ा है जॉर्ज से, लेकिन बहुत सिंपल लड़का है। लेकिन इसकी दो प्रॉब्लम्स है, शॉर्ट टर्म मेमोरी की, मतलब ज़्यादा टाइम तक ये चीज़ों को याद नहीं रख पाता, और दूसरा इसको अगर कोई सॉफ्ट चीज़ मिल जाए तो उसकी तरफ ये बिल्कुल फैसिनेट हो जाता है, उस पर हाथ फेरने लगता है, एकदम बच्चा बुद्धि है, हाथ फेरने लगता है तो बिल्कुल छोड़ता ही नहीं उस चीज़ को। बस लेनी की इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से इसलिए इन दोनों को यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है। ये जब से छोटे थे तब से यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। एक्चुअली जिस टाउन में ये लास्ट जॉब करके आए थे अपनी, वहाँ पर इस लेनी ने क्या किया था, एक वुमन थी जिसकी स्कर्ट का कपड़ा बहुत ही सॉफ्ट था, तो उसके कपड़े पर ये हाथ फेरने लगा। उस वुमन को थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा, वो चिल्लाने लगी, तो इसने और ज़ोर से पकड़ लिया उसको। तो बाकी सब लोग आए तो उस वुमेन ने बोला कि ये मुझे रेप करना चाहता है, बाकी सब लोग इसको मारने के लिए ना आए इसलिए ये लोग वहाँ से भाग आए। तो इसकी इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से इनको भटकना पड़ता है, इसलिए इस जॉर्ज को ये लेनी बर्डन सा लगता है, अपने साथ बोझ सा लगता है, इसको साथ में रखना प्रॉब्लम है। लेकिन वो जानता है कि अगर हम दोनों को सर्वाइव करना है तो इसके साथ में रखना ज़रूरी है। अब ये लोग अपनी नई जगह पर जा रहे हैं। कल सुबह जॉर्ज लेनी से बोलता है कि उस नई जगह पर तुम्हें किसी टाइप की भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम्हें वापस इसी जगह पर आना है, यहाँ पर आना, छुप जाना जब तक मैं तुमको ढूंढता हुआ यहाँ ना आ जाऊँ, कहीं मत जाना, कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ भाग के आ जाना। अब ये लोग यही बातें करते करते सो जाते हैं। एक्चुअली ये जॉर्ज लेनी से बोलता है कि हम जो नया फार्म बनाएंगे अपना खुद का, तो वहाँ पर वेजिटेबल गार्डन होगा, हमारे फार्म में एनिमल होंगे और दूसरे बहुत सारे एनिमल्स होंगे, वहाँ पे रैबिट्स भी होंगे। इस लेनी को रैबिट्स बहुत पसंद है, खरगोश, तो ये बोलता है कि मैं रैबिट्स को तुम्हें संभालने को दे दूंगा, तुम संभाल लेना उनको, हाथ फेरते रहना उस पर। फिर इसके बाद ये सो जाते हैं। अगले दिन ये अपनी नई जगह पर पहुँचते हैं, तो वहाँ पर नई जगह पर इनको कैंडी नाम का एक बूढ़ा सफाई करने वाला मिलता है जिसका एक हाथ नहीं है। वो आदमी कैंडी इनको बंक हाउस में लेके जाता है जहाँ पर सारी लेबर्स सोती हैं। तो बोलता है कि अगर तुमको यहाँ पर काम मिल जाता है तो तुमको भी यहीं सोना पड़ेगा। अब उस फार्म का बॉस यहाँ पर आता है और इन दोनों को वेलकम करता है और इन दोनों को यहाँ ठहरने के लिए मान जाता है। कैंडी इन दोनों को इनका काम बताता है और इन दोनों को वार्निंग देता है कि बॉस कभी कभी बहुत ज़्यादा नाराज हो जाते हैं। अब बॉस का एक बेटा है कर्ली नाम का, वो हाइट में थोड़ा छोटा है लेकिन पैथेटिक आदमी है, वो यहाँ पर आता है, हमेशा लड़ना चाहता है ये, ताकि ये अपनी ताकत साबित कर सके। ये एक बॉक्सर है। इस कैंडी की नई नई शादी हुई है और इसकी वाइफ यहाँ वहाँ घूमती रहती है इस फार्म में, लेबर्स के साथ में फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। अब ये कैंडी जब अपना काम कर रहा था तो कर्ली की वाइफ यहाँ पर आती है लेनी और जॉर्ज के पास में, कर्ली के बारे में पूछती है कि क्या तुमने कर्ली को देखा। तभी एक स्लिम नाम का लेबर यहाँ पर आता है बंक हाउस में और कर्ली की वाइफ को वहाँ से भगा देता है। और ये स्लिम जो है यहाँ पर एक अच्छा खासा लेबर है, यहाँ पर काम करता है, ये जॉर्ज और लेनी से मिलता है। तभी यहाँ पर कार्लसन और वेट नाम के दो बंदे आते हैं, ये माइनर कैरेक्टर है। ये दोनों स्लिम से उसके पपीज़ के बारे में पूछते हैं, मतलब कुत्ते के बच्चे, तो जिसे सुनकर ये लेनी बड़ा एक्साइटेड हो जाता है। स्लिम इससे वादा करता है कि मैं तुम्हें एक पपी दे दूँगा। अब यहाँ पर कर्ली भी आता है अपनी वाइफ को ढूंढता हुआ। जब वो यहाँ से चला जाता है तो ये जॉर्ज लेनी से बोलता है कि इस कर्ली के साथ कुछ प्रॉब्लम है, इससे कुछ पंगा ना हो जाए। अब उसी शाम डिनर के बाद ये लोग खाली टाइम में बैठे हुए थे, गेम्स खेल रहे थे, जॉर्ज और स्लिम आपस में कार्ड्स खेल रहे थे बंक हाउस में,
बाकी लोग दूसरा गेम खेल रहे थे, वहीं लैनी ये खलियान में बैठा हुआ था और पपी के साथ खेल रहा था। तो ये जार्ज स्लिम से थैंक यू बोलता है कि तुमने मेरे दोस्त को एक पपी दे दिया। मतलब इसको ऐसे मासूम जानवर बहुत पसंद है। इसके बाद जार्ज ये भी बताता है कि लैनी की एक केयर टेकर आंट थी, आंट क्लियर, वो गुजर गई, तब से लेकर इस लैनी का ध्यान मैं ही रखता हूँ, लेकिन इसके साथ ट्रैवल करने में बहुत दिक्कत है। लास्ट टाइम हमारे साथ क्या हुआ था, ये पूरी स्टोरी बताता है स्लिम को। इसके बाद बाकी सारे लोग भी अंदर आ जाते हैं इस बंक हाउस में। अब ये कैंडी जो है अपने कुत्ते को अंदर लाता है। ये कार्लसन इस कैंडी को बोलता है कि तुम्हारे कुत्ते में से बहुत स्मेल आ रही है, इस कुत्ते की इतनी बुरी हालत है, इसको खुजली भी है, ये ब्लाइंड भी है, लंगड़ा भी है, तो तुम इसको फ्री क्यों नहीं कर देते, मतलब मैं अपनी पिस्तौल से इसको शूट कर देता हूँ और बदले में स्लिम तुम्हें नया पपी दे देगा। लेकिन कैंडी नहीं मानता क्योंकि लोगों को अपने कुत्तों से बहुत प्यार होता है, ये चीज़ तो देखी जा सकती है। बहुत समझाने के बाद ये लोग कैंडी को राज़ी करते हैं। ये क्या बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इस कुत्ते के सर के पीछे गोली मारूंगा जिससे इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से मर जाएगा। ये कार्लसन क्या करता है, उस कुत्ते को बाहर ले जाकर उसके सर के पीछे गोली मार देता है। अंदर ये लोग बैठे रहते हैं तो इनको आवाज़ सुनाई देती है। अब इन लोगों ने जॉर्ज को इन्वाइट किया कि तुम कल रात हमारे साथ में एक बार टाइप की जगह है टाउन में, वहाँ पर चलो पार्टी वार्टी करते हैं, लेकिन वो मना कर देता है। जॉर्ज बोलता है कि मैं पैसा सेव कर रहा हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर दोस्तों कार्लसन और लैनी अंदर आते हैं और अंदर आके सो जाते हैं बेड पर। अर्ली अभी भी अपनी वाइफ को ढूंढ रहा है, बंक हाउस में आता है, देखता है कि सारी लेबर्स यहाँ पर मौजूद है, लेकिन एक स्लिम ही नहीं था यहाँ पर, तो ये उसे ढूंढने लगा। ये कार्लसन और वेट भी इसको फॉलो करने लगे, शायद अब इन लोगों के बीच में फाइट होगी। अब यहाँ पर दोस्तों बंक हाउस में ये लैनी और जॉर्ज आपस में फिर से अपने फार्म की बातें करने लगे कि हमारे फार्म में ऐसा होगा वैसा होगा, सपने देखने लगे। तो ये कैंडी इनको बोलता है कि मैं तुम्हारे इन सपनों को रियलिटी में बदल सकता हूँ अगर तुम मुझे भी अपने फार्म में जगह दो तो। कैसे, ये कैंडी ने अपनी लाइफ टाइम में जितने भी पैसा सेव किया था वो इन लोगों को देकर सब ये सब पैसा मिलाकर मतलब अपना एक खुद का फार्म बनाए। लोग ये बातें कर ही रहे थे कि बाकी सारे लोग भी यहाँ पर आ गए। तब दोस्तों यहाँ पर स्लिम और कर्ली के बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ, तो यहाँ पर ये लैनी हंसने लगा। वो क्या है, अपने फार्म के बारे में सोचकर हंस रहा है, स्माइल कर रहा है। तो इस कर्ली ने इसको देखा कि ये हंस क्यों रहा है। तो इस कर्ली को इस लैनी से बड़ी प्रॉब्लम है, इसके बड़े शरीर को लेकर इससे प्रॉब्लम है, लैनी से लड़ना नहीं चाहता। तो कर्ली इसको मारने लगता है, इसके फेस पर बहुत मारने लगता है, इसका खून भी आने लगता है इसके फेस से। तो इसका हाथ पकड़ लेता है लैनी और हाथ को दबा देता है। अब मैंने आपको बताया उसका शरीर बहुत बड़ा, उसने हाथ को दबाया तो कर्ली की हालत ख़राब, उसका हाथ बिल्कुल घायल हो चुका था। तो लैनी ने इसको छोड़ दिया। तो स्लिम ने कर्ली को बोला कि तुम किसी को बताना मत कि इसने लैनी ने तुम्हारा हाथ घायल किया है, तुम बोल देना कि मशीन में तुम्हारा हाथ घायल हुआ है। अगर तुमने लैनी और जॉर्ज को इस जॉब से बाहर निकलवाया तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। तो कर्ली मान जाता है, इसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है इसके हाथ को दिखाने के लिए। अब ये जॉर्ज लैनी से बोलता है कि डरो मत, तुमने कुछ गलत नहीं किया। अब अगली रात ये लोग सारे के सारे टाउन में गए, बार्स में यहाँ वहाँ घूम रहे थे। लैनी यहीं पर था फार्म पर, ये पप्पी के साथ खेल रहा था। अब इस लैनी की मुलाकात होती है क्रुक्स नाम के एक आदमी से, ये बॉस का खास आदमी है। तो लैनी से थोड़ा अजीब तरीके से ये बात करता है कि मैं किसी से दोस्ती नहीं रखता, ऐसा वैसा करके। लेकिन जब ये लैनी को देखता है कि ये कितना इनोसेंट है, तो ये लैनी से बात करने लगता है, लैनी को अपने पेनफुल पास्ट के बारे में बताने लगता है। लेकिन लैनी को कुछ नहीं समझ में आता, लेकिन फिर भी क्रुक्स इससे बातें करता गया, क्वेश्चन पूछने लगा। इसने लैनी से पूछा कि जॉर्ज तुम्हारा दोस्त है? बोला हाँ। अगर वो टाउन से लौट कर आए ही नहीं तो? लैनी थोड़ा कंफ्यूज हो गया, लेकिन फिर गुस्सा हो गया। अब जब ये गुस्सा हुआ तो क्रुक्स ने इससे माफ़ी मांगी कि शांत हो जाओ, मैं बस तुमको टेस्ट कर रहा था। अब ये लैनी क्रुक्स से बोलता है कि जॉर्ज तो अपना फार्म लेने वाला है, हम लोग उसी के फार्म में रहेंगे, वो मुझे रैबिट्स देगा। तो क्रुक्स बोलता है कि हर आदमी का यही सपना होता है फार्म लेने का, लेकिन पूरा थोड़ी होता है सबका ये सपना। अब यहाँ पर कैंडी भी आ जाता है, ये तीनों जने आपस में बातें करने लगते हैं।
ये कैंडी और लैनी आपस में फार्म के लिए बातें करने लगते हैं, अपने नए फार्म के लिए। तो क्रुक्स इनसे बोलता है कि ये सपना कभी पूरा नहीं होने वाला तुम्हारा। तभी यहाँ पर कर्ली की वाइफ भी आ जाती है दोस्तों, लेकिन क्रुक्स उसको बाहर भेजता है। फिर कर्ली की वाइफ लैनी के घावों को देखती है, ये श्योर हो जाती है कि इसी आदमी ने इसके हस्बैंड कर्ली को पीटा है। ये इस बात के लिए खुश है, ये थैंक्स बोलती है उसको। तो क्रुक्स इसको यहाँ से भगाने की कोशिश करता है, लेकिन ये जाती जाती क्रुक्स को बोलती हुई जाती है कि तमीज से बात किया कर मुझसे, नहीं तो मार डालूंगी। ये क्रुक्स लैनी और कैंडी को भी यहाँ से भेज देता है। कैंडी बोलता है क्रुक्स को कि तुम उसकी बात का बुरा मत मानना, लेकिन क्रुक्स बोलता है कि वो ज़रूर एक दिन मुझे मार देगी। अब जॉर्ज और बाकी सारे आदमी टाउन से वापस आ जाते हैं अपनी पार्टी वार्टी ख़त्म करके। जॉर्ज लैनी को यहाँ से ले जाता है, कैंडी भी वहाँ से चला जाता है, क्रुक्स वापस अकेला हो जाता है यहाँ पर। अब अगले दिन दोस्तों दोपहर में जब सारे लोग गेम खेल रहे होते हैं, ये लैनी अकेला होता है, पपी के साथ खेल रहा होता है, प्यार से सहला रहा होता है उसको, लेकिन फिर ये अपनी उंगलियों से बहुत ज़ोर से दबा लेता है उसको, पपी को। तो इसकी उंगलियों की पकड़ की वजह से वो पपी मर जाता है। वो जब मर जाता है तो इस लैनी को बहुत गुस्सा आता है कि मर कैसे गया, और इसको डर लगा कि जॉर्ज को अगर पता चला मैंने इसको मार दिया तो मुझे जब अपना फार्म बनाएगा तो मुझे रैबिट्स नहीं लेके देगा। तभी यहाँ पर दोस्तों कर्ली की वाइफ आ जाती है लैनी के पास और उस पपी को मरा हुआ देखती है। लैनी बहुत उदास था तो ये उसको मनाती है कि तुमको दूसरा मिल जाएगा। वो कर्ली की वाइफ से बोलता है कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। कर्ली की वाइफ बोलती है कि मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। वो बोलती है कि मुझे ये लाइफ पसंद नहीं है, मुझे तो मूवी स्टार होना चाहिए था। तो लैनी कुछ समझ नहीं पाता, वो अपने रैबिट्स के लिए रोता रहता है कि जॉर्ज मुझे रैबिट्स नहीं लेके देगा। तो वो पूछती है कि तुम रैबिट्स के लिए क्यों इतना पागल हो रहे हो। वो बताता है कि मुझे सॉफ्ट चीज़ों को छूना बहुत पसंद है। कर्ली की वाइफ बोलती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे भी। अच्छा तुम एक काम करो, मेरे बालों की ये जो कर्ल्स बने हुए थे इसके बालों की, इनको छुओ। उसके कहने पर ये उसके बालों को हाथ लगाता है, तो उसके बाल बहुत सॉफ्ट थे तो ये उसके बालों को छूने लगता है, लेकिन उसके हाथ पहलवान टाइप के। तो कर्ली की वाइफ को हर्ट होने लगा, वो चिल्लाने लगी, वो उसका हाथ हटाने लगी, लेकिन इसने पकड़ रखा था और टाइट पकड़। अब इसका कोई हाथ हटाता है तो ये और टाइटली पकड़ लेता है उस चीज़ को। लैनी डर गया कि क्या हो गया, चिल्ला क्यों रही हो। उसको चुप कराने के लिए उसके मुंह और नाक को पकड़ लेता है, तो ऐसे ही उसका सर जो है इधर उधर शेक होने लगता है। इसी हाथापाई में सडनली कर्ली की वाइफ की गर्दन टूट जाती है और वो ऑन द स्पॉट वहीं मर जाती है। अब लैनी को इतना तो समझ में आ ही गया कि बहुत गलत हो गया है। इसने क्या किया, सबसे पहले उसकी डेड बॉडी पर सूखी घास डाली और उसके बाद ये वहाँ से भाग गया। भागा कहाँ पे, जहाँ जॉर्ज ने कहा था कि जब भी कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो कहाँ पहुँचना है, वहीं उस रिवर के पास में जहाँ पर ये उस रात ठहरे थे। अब कर्ली की वाइफ की डेड बॉडी सबसे पहले देखी कैंडी ने। कैंडी यहाँ पर आया तो इसने कर्ली की वाइफ की बॉडी देखी। इसने क्या किया, जॉर्ज को बताया। अब जॉर्ज डर जाता है कि ये क्या कर दिया इसने। उसको लगा कि अब तो बन गया हमारा ड्रीम फार्म और ये लैनी को तड़पा तड़पा के मारेंगे सो अलग। अब जॉर्ज और कैंडी ने एक प्लान बनाया। जॉर्ज तो चला गया वापस बंक हाउस में, कैंडी बाकी लोगों को बुला के लाया कि देखो क्या हो गया, ताकि शक जॉर्ज पर ना जाए कि जॉर्ज भी मिला हुआ था लैनी के साथ में मारने में इसको, ठीक है। तो सारे लोग यहाँ पर आते हैं इंक्लूडिंग कर्ली। कर्ली भी यहाँ पर आता है, अपनी वाइफ की बॉडी देखता है। वाइफ की बॉडी देखते ही वो बंदूक मंगवाता है कि लैनी को मार दे। तो जॉर्ज भी यहाँ पर आता है और यहाँ आकर ऐसे नाटक करता है कि उसने पहली बार ये चीज़ देखी है ना, और कर्ली से रिक्वेस्ट करता है कि तुम लैनी की जान बख्श दो। लेकिन कर्ली तो फैसला कर चुका है कि उसको मारूंगा। अब किसी को नहीं मालूम था कि लैनी कहाँ गया है, लेकिन जॉर्ज को मालूम था वो कहाँ गया होगा। जॉर्ज उसके पास जाता है, उसको गले से लगाता है। तो लैनी जॉर्ज से माफ़ी मांगता है कि मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। वहाँ पर क्या है, लोगों के आने की आवाज़ सुनाई देती है। जॉर्ज लैनी से बोलता है कि देखो रिवर की तरफ देखो। वो रिवर की तरफ देखता है, उसको वापस सपने दिखाने लगता है कि हमारा फ्यूचर फार्म ऐसा होगा वैसा होगा, वहाँ पर वेजिटेबल्स होगी, एनिमल्स होंगे, रैबिट्स होंगे जिनको तुम संभालोगे। लैनी सोचने लगता है वहाँ देखता हुआ। तभी जॉर्ज को लोगों के आने की आवाज़ सुनाई देती है। वो क्या करता है, पिस्तौल निकालता है और लैनी के सर के पीछे फायर कर देता है और लैनी वहीं मर जाता है।
बाकी लोग भी यहाँ पर आकर देखते हैं। जॉर्ज शॉक में था कि उसने क्या कर दिया। तो ये स्लिम उसको संभालता है और उसको वापस फार्म ले जाया जाता है। स्लिम इसको बोलता है कि तुम्हें ये करना ज़रूरी था, अगर जॉर्ज अपने दोस्त लैनी को नहीं मारता तो ये लोग उसे बहुत बुरी मौत देते। और दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है।